ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो क्या अब स्मैकडाउन जवाब देने वाला है और रोमन रेंस लीड करेंगे इन्वेजन एंगल एनएक्सटी के ऊपर? इसके अलावा ब्रॉक लेसनर की स्मैकडाउन क्विट करने वाली अनाउंसमेंट को कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को रश करना पड़ा, कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने का मन बना रहे हैं सऊदी अरेबिया वाले इशू के बाद, और हम बात करेंगे बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। और सबसे पहले गाइस हम लोग शुरुआत करते हैं सऊदी अरेबिया वाले इशू के बारे में। आपको मैं पहले बता चुका हूं चैनल के ऊपर कि जो फ्लाइट थी वो डिले हो गई, मैकेनिकल इश्यू था, क्राउन प्रिंस और विंस मैकमैन के बीच कुछ गड़बड़ थी, पैसों की बात थी, क्राउन प्रिंस ने जो सुपरस्टार्स को उतरवा दिया और विंस मैकमैन ने वहां पर जो टेलीकास्ट हो रहा था शो लोकल टीवीज के ऊपर उसको भी बंद करवा दिया। काफी सारे इश्यूज यहां पर थे और इसका जो सीधा सीधा असर है वो सुपरस्टार्स के ऊपर पड़ा, क्योंकि यहां पर उनकी कोई भी गलती नहीं थी, वो तो बस अपना शो करने गए थे। बट जिस तरीके से वहां पर प्रिंस और विंस मैकमैन के बीच गड़बड़ पैदा हुई उसका असर जो है सुपरस्टार्स के ऊपर भी पड़ा। और गाइस इसके बाद काफी सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने का मन बना रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चलो वो सऊदी अरेबिया का शो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं और विंस मैकमैन के ऊपर से उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट भी खो दी है और वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ही छोड़ देंगे जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। और गाइस ये अपडेट आई है डेव मेल्टजर की तरफ से। अभी यहाँ पर वो सुपरस्टार्स कौन से हैं जिन्होंने ऐसा कहा या फिर उन्होंने सिर्फ उस मोमेंट में फ्रस्ट्रेट होकर ऐसा कहा ये मैं नहीं पता, लेकिन उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि या तो वो सऊदी अरेबिया का शो ही नहीं करेंगे या फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ देंगे, क्योंकि वो ऐसी जगह पर काम नहीं करना चाहते जहां पर उनके साथ रिस्क वाली बात आ जाए, क्योंकि उनके साथ उनकी फैमिलीज हैं और वो उनसे तो इस तरीके से अलग बिल्कुल भी नहीं होना चाहते। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पर उनका इशू भी सही है, उनका भी कंसर्न होना इस बारे में बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपकी इतनी बजे की फ्लाइट है, इतनी लंबी फ्लाइट है और ऊपर से इतना बड़ा शो करने के लिए आप लोग वहां पर जा रहे हो और उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपको कुछ क्लियर भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आपसे बातें छुपाई जा रही, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो सुपरस्टार्स हैं विंस मैकमैन से तो नाराज हैं ही, और उनका तो यहाँ पर यह भी कहना है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ भी देंगे। अभी ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता उस मोमेंट पर गुस्से में आकर सुपरस्टार्स ने ऐसा कहा हो, लेकिन जिनको सच में इससे पूरा अफेक्ट हुआ है क्या पता वो ऐसा कर भी दें। अभी यहाँ पर वो कितने सारे नाम है आपको पता है, काफी बड़े बड़े लोग, काफी बड़े बड़े स्टार्स गए थे वहां पर अपना मैच रेसल करने, परफॉर्मेंस देने, तो ऐसे में अगर इस तरीके की चीजें सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने आ जाती हैं तो फिर ये उनके लिए डेफिनेटली काफी दिक्कत की बात होगी। और ये बात भी अब कहनी होगी कि हर एक सुपरस्टार 100 बार सऊदी अरेबिया जाने से पहले सोचेगा कि वहां पर चीजें कैसी हो सकती हैं। और हाँ, विंस मैकमैन भी शायद इसके बारे में पहले से केयरफुल होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि फिर से ऐसा कोई इंसिडेंट सऊदी अरेबिया में जाकर हो और वो सुपरस्टार्स को और भी ज्यादा नाराज कर दें। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है द बीस्ट इनकार्नेट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ब्रॉक लेसनर से। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि रेनेंग एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में बात कर रही है जो कि वो फ्राइडे नाइट पर करेंगे और उसके बाद वहां पर अपना गेस्ट रिवील करेंगी कि जो पहला एपिसोड आने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज का उस पर कौन सा बड़ा गेस्ट आने वाला है और वो शो सच में काफी बड़ा होता। तो गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओरिजिनली ये प्लान था कि स्मैकडाउन के शो पर ब्रॉक लेसनर इस बात को अनाउंस नहीं करते कि वो स्मैकडाउन को क्विट करने वाले हैं, बल्कि रेनेंग ये बताते हैं कि मेरे जो गेस्ट होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज वाले शो पर वो ब्रॉक लेसनर होंगे और वहां पर वो आकर कोई बड़े अनाउंसमेंट करेंगे, मतलब कि जो 5 नवंबर का ट्यूसडे वाला एडिशन होता है पहला वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज का, वहां पर ब्रॉक लेसनर आते हैं और वो वहां पर अनाउंस करते हैं कि वो स्मैकडाउन क्विट कर रहे हैं और वो रॉ पर जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास स्मैकडाउन शो पर करने के लिए कुछ था नहीं, उनको फिर से पूरा शो लिखना पड़ा, तो उन्होंने इस वाली अनाउंसमेंट को थोड़ा पहले कर दिया, क्योंकि वैसे भी अगर स्मैकडाउन में अगर ये चीज नहीं होती तो फिर एनएक्सटी का इन्वेजन वाला एंगल भले ही अच्छा था, लेकिन फिर भी चेरी ऑन टॉप वाली बात नहीं होती, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की इस अनाउंसमेंट ने स्मैकडाउन के शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था और ऐसी चीज बना दिया था जिसको फैंस देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन अब सवाल यहां पर ये आता है कि रेनेंग काफी टाइम से कह रही है अनाउंसमेंट होगी, लेकिन अनाउंसमेंट तो उनसे ले जा चुकी है क्योंकि वो ऑलरेडी स्मैकडाउन पर हो चुकी है। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके बदले बैकस्टेज वाले शो में कुछ हमें इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, क्या वहां पर कुछ रेनेंग बड़ा अनाउंस करेंगी? अब देखते हैं इसके बदले वहां पर क्या होता है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकस्टेज और रेनेंग का तो भाई पोपट हो गया। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी है बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच से। जब से बॉबी लैशली डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए उनका यही गाना है कि उनको ब्रॉक लेसनर के साथ मैच हासिल करना है, काफी बार ऐसा लगा कि वो मौका आ चुका है लेकिन फिर भी जाकर ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच अब तक हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं देखने को मिला। और गाइस रिसेंटली इसके बारे में बॉबी लैशली ने काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें करी और उन्होंने कहा कि टेलीविजन के ऊपर ये सबसे बिगेस्ट थिंग होगी अगर मेरा और ब्रॉक लेसनर का मैच होता है, क्योंकि क्राउड जो है मुझे भी पसंद नहीं कर रहा, क्राउड ब्रॉक लेसनर को भी पसंद नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर लोगों की पत्नियों को चुरा रहा हूँ और ब्रॉक लेसनर एक एसहोल की तरह बने हुए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि कैसे ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की फ्यूड अब भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है और ये ऐसी चीज बनेगी जिसे फैंस हमेशा ही देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अब वैसे देखा जाए तो फिलहाल बॉबी लैशली का करेक्टर तो अलग ही चल रहा है, वो तो रंगीले बने हुए हैं, वहीं ब्रॉक लेसनर की बात करें तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है। फिलहाल देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं से कहीं तक ये दोनों आसपास आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करने वाले हैं काफी लंबे टाइम तक, बॉबी लैशली भी, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ है, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ये मैच हो ही रहेगा। लेकिन ये मैच कितनी जल्दी होता है, किस तरीके से होता है और तब तक बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का करेक्टर किस तरीके का रहता है, वो चीजें भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा।
लेकिन फिलहाल तो बॉबी लेस्ली ब्रॉक लेसनर के साथ एक मैच रेसल करना चाहते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इस मैच के बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस से। और इस हफ्ते हम लोगों ने जो स्मैकडाउन के एपिसोड में एनएक्सटी का इन्वेजन एंगल देखा था, उन्होंने स्मैकडाउन के स्टार्स को धोकर रख दिया। तो गाइस इस पर रोमन रेंस ने अपना रिएक्शन दिया, उन्होंने वार्निंग दी और उन्होंने रिप्लाई भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं कि कैसे तुमने स्टेप अप किया, लेकिन भाई एक बात ध्यान में रख लो कि तुम मेरे यार्ड में इतना भी कंफर्टेबल मत हो, मतलब मेरे यार्ड में आकर इतनी मजे ना करो, वरना इसका कुछ ना कुछ हर्जाना या फिर खर्चा पानी भुगतना पड़ सकता है एनएक्सटी के सुपरस्टार्स को। अब इससे रोमन रेंस ने यहां पर ये चीज क्लियर कर दिया कि स्मैकडाउन पर जो अटैक हुआ उनको ये चीज इतनी ज्यादा कोई पसंद नहीं आई है। और डेफिनेटली गाइस अगर रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वर्सेस एनएक्सटी हो रहा है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें यहां पर इन्वेजन वाले एंगल दिखाएगी, जैसे हम लोग पहले देखते थे कि रॉ स्मैकडाउन पर जाकर अटैक करता था, स्मैकडाउन रॉ पर जाकर अटैक करता था। तो पॉसिबली हो सकता है स्मैकडाउन इस चीज का बदला ले, और क्योंकि हम लोगों ने पास्ट में देखा है कि रोमन रेंस ने इस तरह से इन्वेजन वाले एंगल्स को लीड किया है, तो क्या पता इस बार भी हमें रोमन रेंस की तरफ से कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जब वो एनएक्सटी पर जाकर सुपरस्टार्स पर अटैक करें। अगर मैं इस हफ्ते एनएक्सटी की बात करें तो क्या वहां पर कुछ ऐसा होगा? वेल, लगता नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो है वो टूर गया हुआ है और वो शायद एनएक्सटी के शो के लिए अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्वेजन वाले एंगल दिखा रही जैसे इस बार एनएक्सटी ने आकर स्मैकडाउन पर अटैक किया, तो डेफिनेटली हमें सर्वाइवर सीरीज तक ऐसे काफी सारे इन्वेजन वाले एंगल देखने को मिल सकते हैं जहां पर रोमन रेंस स्मैकडाउन का बदला ले सकते हैं एनएक्सटी से। लेकिन इस बार ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि एनएक्सटी को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, और जो पहले हम रॉ स्मैकडाउन देखने के लिए एक्साइटेड रहते थे सर्वाइवर सीरीज वाले एंगल्स के लिए, इस बार वो चीज हमें एनएक्सटी ब्रांड पर भी देखने को मिलेगी। और गाइस इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो को छोड़ो, प्लीज लाइक के बिना कहीं मत जाना, और कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि क्या आप लोग ऐसा देखना पसंद करोगे कि रोमन रेंस एक इन्वेजन वाला एंगल लीड करे जब वो एनएक्सटी पर जाकर अटैक करें। इसके अलावा आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।